स्वदेशी तकनीक जैविक खेती, निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी। संक्षिप्त परिचय स्वदेशी खेती का या कार्बनिक खेती का, गोबर की खाद और गोबर गैस संयंत्र, कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट खाद तकनीक, हरी खाद, जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक, फफूंदनाशक, जैव औषधि बनाने की तकनीक एवं उपयोगिता। कृषक बंधुओं, इस संक्षिप्त परिचय देने के पहले मैं सभी कृषक बंधुओं का जो इस वेंडर के माध्यम से जुड़े इस प्रशिक्षण, ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हम ऑनलाइन के माध्यम से समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड के वेंडरों के माध्यम से देने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सबसे सर्वप्रथम हमारी पृथ्वी माँ को प्रणाम कीजिए, जिन्होंने कई वर्षों से हमारा पालन पोषण किया है। उस पृथ्वी माँ को या उस मिट्टी को बचाना बहुत जरूरी है। पहला तो यह है कि संक्षिप्त परिचय में आपको बहुत संक्षिप्त में देना चाहता हूं। आजादी के समय 4 करोड़ मेट्रिक टन से आज 25 करोड़ मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन इस का प्रमाण है कि 60 के दशक से पूर्व जैविक खेती से उतना फसल उत्पादन नहीं होता था जितना कि आज रासायनिक खेती से फसल उत्पादन हो रहा है। भूमि के स्वास्थ्य की कीमत पर अधिक उत्पादन का लालची प्रयास ज्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं रह सकता। संतुलित फसल उत्पादन के लिए 16 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जबकि रासायनिक उर्वरकों से सिर्फ 3 तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति ही होती है। शेष 13 तरह के सूक्ष्म पोषकों की आपूर्ति नहीं होगी तो भूमि की उर्वरकता और संरचना कब तक बनी रहेगी। मृदा परीक्षण से पता चलता है कि मध्य प्रदेश की कृषि योग्य भूमि में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी है। गोबर या कंपोस्ट खाद का उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। खेती में यदि पोषक तत्व उचित मात्रा में होंगे तो पौधे एकदम स्वस्थ होंगे, तो स्वस्थ पौधों पर बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा, क्योंकि सामान्यतः कमजोर पौधे ही ज्यादा रोगग्रस्त होते हैं। गोबर की खाद और गोबर गैस संयंत्र, पशुओं के भोजन का पूर्णतः या आंशिक पचाव भाग जो पशुओं द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, गोबर। गोबर की खाद में केवल गाय के गोबर को ही नहीं बल्कि उसमें हम भैंस, भेड़, मुर्गी, घोड़ा आदि पशुओं की बीट को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब हमने इस तालिका द्वारा किसान में ये दर्शाने की कोशिश की विभिन्न पशुओं के गोबर पाए जाने वाले पोषक तत्व तो अग्र प्रकार के होते हैं। मुर्गी उसमें कार्बनिक पदार्थ 30, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, भेड़ में 33% कार्बनिक पदार्थ, उसमें 7.7% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, पोटाश 0.5%, गाय में 15% कार्बनिक पदार्थ, 0.5% नाइट्रोजन, 0.18% फास्फोरस और 0.18% पोटाश। भैंस में कार्बनिक पदार्थ 13%, 0.3% नाइट्रोजन, 0.18%, 0.17%। घोड़े में 21% कार्बनिक पदार्थ, 0.5%, 0.3%, 0.3%। अब आप देखेंगे कि जो गाय है उसमें कार्बनिक पदार्थ 15% है, घोड़े में कार्बनिक पदार्थ 21% है। अब हम देखेंगे आगे जो बनाने की जो विधि है, गांव में क्या करते हैं किसान भाई, जो आपको भली भांति परिचित है कि पशुओं के गोबर को खुली जगह में एक ढेर बना दिया जाता है, उसमें कूड़ा करकट पशुओं के चारे इंधन सब उसमें एकत्रित होते जाते हैं। गोबर के खुले ढेर में जो वर्षा, धूप और हवा आदि के करना, गोबर व अन्य पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजन व अन्य पोषक तत्व अमोनीकरण की जो क्रिया होती है उसमें उड़ जाते हैं और कुछ नाइट्रोजन अन्य पोषक तत्व तो पानी के साथ बह जाते हैं। परिणाम स्वरूप गोबर खाद की 80% जो गुणवत्ता है वो क्रियाशीलता वो खत्म हो जाती है। गोबर को ऊंचे ढेर के रूप में एकत्रित करने की अपेक्षा उसको क्या करना चाहिए, भूमि पर बिछाकर एकत्रित करना ज्यादा उपयोगी होता है, खेत में डालना। जब कृषक भाई गोबर की खाद पक जाए और उसमें अलग तरह की स्वस्थ खुशबू आने लग जाए तब उसमें ट्राइकोडर्मा, सिडोमोनास, माइकोराइजा डालकर उसमें 1 किलोग्राम माध्यम कल्चर अगर हम डाल देते हैं तो ये जो है इसमें जितने भी लाभदायक जीवाणु हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, वो बिल्कुल सक्रिय और जीवित हो जाएंगे। गोबर की जो खाद होती है उसे कभी भी सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं कहते, उसे पकी हुई गोबर की खाद 10 टन प्रति एकड़ डालना ही चाहिए। और गोबर की खाद खेत में डालने के बाद उसे क्या करना चाहिए, अच्छी तरह मिला देना चाहिए। बात आती है गोबर गैस संयंत्र, जो ताजा गोबर होता है उसको जो गोबर गैस संयंत्र में जो गोबर का प्रयोग किया जाता है वह जैव गैस संयंत्र में गोबर के अतिरिक्त
अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे शहरी कूड़ा हो गया, करकट हो गया, घरों के अवशिष्ट पदार्थ हो गए, फलों के छिलके हो गए, इनको भी सड़ाकर हम गैस तैयार की जाती है। ध्यान क्या रखना है हमको कि मकान आम रस्तों से थोड़ा दूर होना चाहिए, 30 से 35 फीट के अंदर कोई पेयजल या कुआं या नल नहीं होना चाहिए, पशुशाला के पास होना चाहिए, गोबर में पानी का मिश्रण डालते समय 4 भाग गोबर 5 भाग पानी होना चाहिए, पकित गोबर की गार को सिंचाई के पानी के साथ खेतों में पहुंचाया जा सकता है या इसका उपयोग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में किया जा सकता है, जिसे इसमें सड़न जल्दी होती है। अगली बात यह है कि जो गोबर गैस संयंत्र का आकार गोबर की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मध्यम आकार के पशुओं से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले गोबर की मात्रा जो निम्नलिखित दी गई, जैसे भैंस है उसे 15 किलो, बैल या गाय से 10 किलो, बछड़े से 5 किलो। गोबर या संयंत्र दो प्रकार से बनाया जाता है, डाम विधि और दूसरी होती है केवी विधि। अब डाम विधि जो होती है इसमें कम से कम 12 से 15 किलो 2 तगाड़ी कम से कम गोबर की जरूरत होती है। इसमें 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इसका जो है इसको नियमित रूप से कुएं में इसको मिश्रण और गोबर का जो मिश्रण है उसको डाला जाता है, गोबर गैस बनती रहती है। छोटा संयंत्र लगाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस विधि का प्रचलन कम है क्योंकि कुएं के अंदर जो बनने वाली गैस है वो दीवारों पर लगी पलस्तर की गई सीमेंट 4 या 5 सालों में क्या होने लगती, गिरने लगती है और दीवारों पर दोबारा पलस्तर करने पर कठिनाई होती है। फिर यह पाया कि जो दूसरी विधि है उसको क्या बोलते हैं, केवी विधि। इस विधि में कुएं की गहराई 25 फीट, गोलाई का व्यास 10 से 12 फीट रखा जाता है। कुएं के अंदर अधिक दाब उत्पन्न होने ना हो इसके लिए हम कुएं के बीच में क्या करते हैं, एक दीवार बना देते हैं। गैस का उपयोग करने के लिए पाइप गैस होल्डर से जोड़ दिया जाता है। इस कुएं में गैस अधिक इकट्ठा होने पर ड्रम ऊपर की उठने लगती है और कम होने पर नीचे की ओर बैठने लगता है। यह विधि अधिक प्रचलित है क्योंकि ड्रम को कम से कम साल में एक बार पाइप से उठाकर आसानी से ऑयल पेंट भी किया जा सकता है, जिससे यह हर 10-15 साल तक खराब नहीं होता है। अब बात करते हैं रासायनिक संगठन। अब मृदाओं में यह सड़ी हुई जो गार है गोबर की खाद से कई गुना ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। इस संयंत्र से कौन सी गैस नहीं बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती। इस संयंत्र से जो मीथेन गैस होती है उसमें नीली ज्वाला के साथ जलती है, स्वच्छ खाना बनता है और बर्तन क्या होते हैं, वो काले नहीं होते हैं। इस संयंत्र से जो खाद होती है उसमें खरपतवार के बीच समूल नष्ट हो जाते हैं। उस गिस गार का जो रासायनिक संगठन, अब आप देखेंगे कि इसमें कार्बन कितना होता है, 38 से 42%, नाइट्रोजन 2%, फॉस्फरस 1.2%, शुष्क पदार्थ 5.70%, राख 22.60% और कार्बन नत्रजन का जो अनुपात है वो 23.2 होता है। मतलब कार्बन जो है वो 23 है और नत्रजन कितना है, 2 है। अब बात देखेंगे कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट खाद। ये कंपोस्ट खाद क्या है, कंपोस्ट खाद जो है बैक्टीरिया फंजाई पशुओं के चारा जो होता है कूड़ा करकट पादप अवशेष इनका विच्छेदन करने पर जो खाद जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट। अब कंपोस्ट खाद के क्या गुण हैं, इसकी भौतिक दशा में मिट्टी की जो भौतिक दशा होती है उसमें सुधार होता है, मृदा के रासायनिक गुणों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, कंपोस्ट के कारण पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, कंपोस्ट के विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाता है और ये जो कार्बनिक अम्ल है वो क्षारीय मृदाओं के पीएच को क्या करता है, कम करता है और इस खाद के उपयोग से खेतों में दीमक व खरपतवार का प्रकोप नहीं के बराबर होता है। कृषि एवं पशुओं के फालतू अवयव एवं शहरी ग्रामीण कूड़ा करकट का सर्वश्रेष्ठ उपयोग होता है। बात आते हैं हम वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है, केचुआ से बनी हुई खाद। अपघटनशील व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ जैसे डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, पुआल, भूसा, सूखी घास, सब्जियों के छिलके, इनको केचुए से प्राप्त विसर्जित पदार्थ को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। जो केचुआ खाता है, जो निकालता है वही उसकी खाद होती है। अपघटनशील जीवाणु पदार्थ से जो खाद बनाना क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट। केचुआ अर्थवर्म, अब तक केचुओं की 3000 प्रजातियां का पता लग चुका है और भारत में केवल केंचुओं की 500 जातियां ही पाई जाती है। लेकिन केंचुए तेज धूप को सहन नहीं करते, इनकी श्वास लेने की त्वचा के माध्यम से वायु को अंदर लेने और बाहर फेंकने से होती है, इनकी त्वचा हमेशा गीली रहती है।
केचुआ क्या होता है, अभेलिंगी प्राणी है। इनका जीवन चक्र अंडावस्था 21 से 26 दिन, बाल्यावस्था 30 से 70 दिन एवं प्रौढ़ावस्था 6 से 24 दिन। मैं सभी किसान भाइयों को हमारे वेंडरों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट किसान भाई लेते जाएं। केचुए 15 साल तक जीवित रहते हैं, मुर्गी पक्षी जंगली सुअर आदि भी बनाए। केचुए बिलों में छिपकर रहने वाले प्राणी हैं, ये लगातार मिट्टी में सेंद्रीय पदार्थ खाते रहते हैं और ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवन ह्यूमस युक्त मैला उत्सर्जित करते रहते हैं। सूक्ष्म जीवों में एक्टिनोमाइसिटिस एवं जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है। अब केचुओं को पालना कैसे है, इनको पहली बात तो सूर्य प्रकाश से दूर रखें, नमी वाली जगह व अंधेरी जगह पर रखें, पक्षियों मुर्गियों से बचा के रखें, बरसात के पानी से भी इन्हें बचाना आवश्यक है, इन्हें कीटनाशक रासायनिक खादों से दूर रखना। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी या यूरिया डाल दिया, केंचुआ भी डाल दिया तो केंचुआ तो मर जाएगा, लेकिन इनके साथ में अपने को क्या क्या डाल सकते हैं, पीएसबी है, एजोटोबैक्टर है, माइकोराइजा है, इनसे इन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। खेतों से जो निकलने वाला कचरा है, घर का जो कचरा है, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं, फलों के छिलके डाल सकते हैं। खेतों की जमीन में सड़ने वाले सेंद्रीय पदार्थों का भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब कैसे बनाएंगे इसको, अब आप देखते हैं इसमें एक पेड़ विधि है, पेड़ों के नीचे बेड विधि है, बेड बना करके उसके ऊपर चूकी पुआल डाल के बना सकते हैं। टटिया विधि मतलब जो जैसे अपना ग्रो बैग आती है, इस प्रकार बड़ी वाली जो ग्रो बैग होती है उसके अंदर भी हम इस जो केचुए का उत्पादन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टटिया विधि। बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है, बहुत जरूरी किसान भाई, जैसे कच्चे माल का उपयोग ना करें, है ना, कंपोस्ट में नमी बनाए रखना चाहिए। सुविधा युक्त हो तो क्या कर सकते हैं हम, छोटा वाला जो फव्वारा होता है या टपक सिंचाई जो बूंद बूंद सिंचाई, वो भी हम डाल करके उसको पानी हमेशा धीरे 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 कम दबाव में लंबे समय तक हम पानी छोड़ सकते हैं। कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री होना चाहिए। वर्मी बेडों में ताजे गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। वर्मी कंपोस्ट जब तैयार करते हैं छायादार जगह होना चाहिए, 20% गोबर तैयार है तो गोबर की मात्रा होनी चाहिए। कार्बनिक कचरे का जो पीएच मान है वो उदासीन होना चाहिए, ज्यादा पीएच भी नहीं और अम्लीयता भी नहीं होना चाहिए। केचुए खाद में कोई भी कीटनाशक नहीं डालना है। अगर मैंने गलती से भी कोई भी कीटनाशक डाल दिया, जैसे हमारा कोई भी कीटनाशक, हम जो रासायनिक कीटनाशक है वो हमको उसमें नहीं डालना है। खाद की पलटाई एवं तैयार खाद को एकत्रित करते समय उसमें कभी भी खुरपी फावड़े का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नुकीला होता है। अगर खुरपी फावड़ा हमने चला दिया तो उसमें एक तो लोहा होता है, दूसरी बात यह है कि अगर उनको चला दिया तो क्या होगा, ये केचुओं के अगर उसका थोड़ा भी अगर खरोचा लग गया तो केचुआ बहुत नाजुक है, उसी समय वो केचुए की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती। अब वर्मी कंपोस्ट का रासायनिक संगठन देखिए, पीएच इसका है 6.5 से 7.2, जैविक कार्बन 25 से 30%, नाइट्रोजन 0.5 से 3%, फास्फोरस 0.8 से 2%, पोटाश 0.6 से 0.8%, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात आप देखिएगा 16:1, मतलब 16 आपका कार्बन और एक नाइट्रोजन। कैल्शियम 8 से 10%, सल्फर 3%, ह्यूमस 6 से 8%, नमी 20%, जल धारण क्षमता 100 से 150%, समस्त पोषक तत्व पीपीएम में होता है, पार्ट्स पर मिलियन, जीवंशम सूक्ष्मजीवी 10 प्रति ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद। अब आप देखेंगे जितने भी 16 पोषक तत्व हैं उनमें से करीब करीब सारे पोषक तत्व हमारे वर्मी कंपोस्ट में विद्यमान है। जब आपको फलवाग में वर्मी डालना है तो आपको मात्र 1 किलो ही 1 किलो वर्मी एक पौधे को देना, मतलब गोबर की खाद जितना हम डालते हैं उससे कई गुना कम हमको वर्मी कंपोस्ट डालना होगा। वर्मी कंपोस्ट जो है उसमें जितनी और उर्वरकता शक्ति है, उसके अंदर जितने भी आप देखेंगे पोषक तत्व है, वो संभवतः किसी में भी नहीं होता है। आप बात में देखेंगे हरी खाद। अब बात करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग की, बहुत जरूरी है ग्रीन मैन्योरिंग। जो भूमि किसान भाई वर्षों से खेती नहीं की गई है उनमें हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, जिसमें भूमि उगी हुई फसलों को कोमल एवं फूल अवस्था में ही भूमि के वातावरण को सुधारने के लिए जो पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए खड़ी फसल को भूमि में पलट दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग। देनिंग इन ग्रीन मैन्योरिंग कब किया जाना चाहिए, बारिश के मौसम में ही किया जाना चाहिए। ग्रीन मैन्योरिंग जब हम करते हैं तो अगर हम लगातार 1-3 साल उस खेत को करेंगे तो निश्चित रूप से 4-5 साल के बाद वो भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, उसमें हम
फसल ले सकते हैं। अब हरी खाद समय में क्या क्या धात का ध्यान रखना चाहिए? हरी खाद के लिए फलीदार सब्जियों का चयन करना चाहिए। फलीदार सब्जियों की जड़ों में क्या होती है? ग्रंथियां पाई जाती है। वायुमंडल में स्थिर नाइट्रोजन का मृदा स्थिरीकरण करते हैं। जितने भी हमारी दलहन फसल है वो सब हरी खाद का काम करती है। सन है, ढेचा है, ये भी हरी खाद का काम करती है। खूब पत्तीदार मुलायम होनी चाहिए, सड़कर मृदा में मिल सके और उसको वहीं पर वो डिकम्पोज हो जाए। फसल ऐसी होना चाहिए जो कम ऊर्जा मृदा में भी आसानी से उग सके, जल की कम आवश्यकता पड़े और जिसे अधिक देखरेख की जरूरत नहीं पड़े। अब इसके बाद हरी खाद के लिए कौन कौन सी फसलें हमने चयनित की गई है? एक गुवार, दूसरी होती ढेचा, तीसरी होती सनई और चौथी होती उड़द या मूंग। अब हरी खाद से क्या क्या लाभ होते हैं अभी तो मैंने बात कर ली कि भाई ग्रीन मैन्यूरिंग क्या होता है और ये हरी खाद के लिए फसलें कौन सी होती है। अब हम ये बात देख लें कि हरी फसल से लाभ क्या है। पहली बात तो मृदा की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। मृदा की संरचना मतलब सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर नहीं, वो तो जो सैंड सिल्ट क्ले वो तो वही रहेगा, लेकिन जो संरचना है मिट्टी की वो सुधर जाती है। वायु संचार बढ़ जाता है, कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन पोषक पदार्थों में वृद्धि होती है, अम्लीय मृदाओं का पीएच बढ़ जाता है, क्षारीय मृदाओं का पीएच कम हो जाता है, खरपतवार की वृद्धि रुक जाती है। अगर प्राकृतिक रूप से खरपतवार का नियंत्रण करना तो हरी खाद लगाएं, सूक्ष्म जीवों की संख्याएं बढ़ जाती है। उसके बाद एक और फायदा ये होता है कि सूत्रकृमि जो जमीन में निमेटोड है, रूट नॉट ऑफ द निमेटोड है, वो भी उनकी भी संख्या कम से कम हो जाती है। अब बायो फर्टिलाइजर, अब बात करते हैं हम किसकी, जैव उर्वरक की। सूक्ष्म जीवाणु युक्त टीका है, वो मृदाओं में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण करता है, मृदा फास्फेट को विलय करके पौधों को उपलब्ध कराता है। अब ये जैव उर्वरक राइजोबियम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जो है वो जितनी भी दलहन फसलें हैं उनमें उनकी जो गांठें होती है उनकी मजबूती करने का काम राइजोबियम करता है, जिसका कल्चर हम दलहनी फसलों में करते हैं। एसिटोबैक्टर का मतलब जो दलहन नहीं है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हम एसिटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने हम एसिटोबैक्टर का उपयोग करते हैं जो कि गन्ने में नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाता है। पीएसबी फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो हम कहां से होती है ब्लू ग्रीन हमको मिलेगी, ये धान के खेतों से मिलेगी। एजोला, एजोला क्या करता है, पोटाश का उत्पादन करता है। माइकोराइजा क्या करता है, वो जैव फफूंदनाशक का काम करता है। दूसरा, जितना भी आपका फास्फोरस उपलब्ध नहीं हो रहा है पौधों को उनको उपलब्ध कराने का काम करता है। जब भी आप कोई रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसमें आप माइकोराइजा मिला दें। अगर रासायनिक भी नहीं डाल रहे हैं तो अकेला माइकोराइजा दूसरी खादों के साथ मिल करके आपकी जड़ों की मजबूती भी करता है। बात करते हैं हम जैविक कीटनाशक, फफूंद नाशक, जैव औषधि बनाने की तकनीक एवं उपयोगिता। बीजामृत, अब बीज उपचार के लिए हम तमाम रासायनिक दवाइयां लाते हैं, धीरे धीरे आप जैविक पद्धति को अपनाएं, रासायनिक पद्धति को धीरे धीरे कम करें। ना तो 100% आप एकदम जैविक शुरू करें या एकदम ही रासायनिक करें। जब आप जैविक खेती आपको करना है तो वो शने शने धीरे धीरे आपके खेतों में होना चाहिए। अब बीजामृत बनाने के लिए गाय का गोबर 5 किलो, गाय का गोमूत्र 5 लीटर, गाय का दूध 1 लीटर, नींबू पानी 250 ग्राम पानी 100 लीटर, इनको जो है आप ये आप जी बीजामृत बना सकते हैं। इनको छायादार जगह पे सुखा लें और 30 मिनट के बाद बुआई कर दें। कितनी अच्छी बात है कि आप बीजामृत बनाएं, ये बीजामृत आप धीरे धीरे बनाएं, इसमें आपकी लागत भी कम होगी और आपका मुनाफा बढ़ेगा। संजीवक, संजीवक में गाय का गोबर 200 किलो, गाय का गोमूत्र 100 लीटर, काला गुड़ 500 ग्राम, पानी 300 लीटर, घोल को 10 दिन तक मोटी लकड़ी से अच्छी तरह हिलाते रहें। ड्रिप सिंचाई टपक सिंचाई से 25 से 30 लीटर अगर छिड़काव कर रहे हैं तो 25 से 30 मिली। अब उसको उपयोग करने से क्या क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर बढ़ेंगे जो कि खाद को आसानी से पौधों की जड़ों तक ले जाने का काम करेंगे। अब सबसे अच्छी चीज जीवामृत, हमारे बहुत से किसान भाई आजकल जीवामृत बना रहे हैं। इसमें 10 किलो गोबर खाद लेना है, गौमूत्र लेना है, काला गुड़ लेना है, बेसन 2 किलो लेना है, मिट्टी जीव मिट्टी लेना है जो बरगद और पीपल के नीचे वाली, और पानी कितना लेना है 200 लीटर। इन्हें क्या करना है, 15 दिन तक अच्छी तरह से मोटी लकड़ी से ऊपर नीचे करते रहना है। उसके बाद उसे क्या करना है, छानना है। छानने के पश्चात जब आप ड्रिप सिंचाई से देंगे तो छानना ना भूलें, उसे छान लें। 25 से 30 लीटर ड्रिप सिंचाई से लें, पानी छिड़काव के रूप में 50 मिली प्रति पंप दे दें। अमृत पानी, इसमें गाय का गोबर 10 किलो,
शहद 500 ग्राम, गुड़ 500 ग्राम, गाय का देशी घी 250 ग्राम, सरसों का तेल 250 मिली और पानी 200 लीटर 15 दिन के बाद इसका आप छान लें इसको अच्छी तरह, इसका भी पानी छिड़काव करें, इसको भी आप ड्रिप सिंचाई से दे सकते हैं। बात आती है पंचकव्य, पंचकव्य जो है ये है बिल्कुल पंचामृत के बराबर है। पंचकव्य का मतलब इसमें गोबर गैस की स्लरी लेना है, 4 किलो ताजा गोबर लेना है, गौमूत्र लेना है, 3 लीटर कच्चा दूध लेना है, दही लेना है, पानी लेना, सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। कृषक बंधुओं, हमारे अन्नदाता किसान पंचकव्य जरूर बनाएं, इसको 15 दिन तक मोटी लकड़ी से हिलाते रहें। ड्रिप सिंचाई से आप 100 लीटर दे सकते हैं, पर्णी छिड़का में 200 मिली प्रति पंप। सबसे बड़ा फायदा क्या है इसमें कि आपको ये चिंता नहीं है कि मैंने 100 का 50 150 तो नहीं डाल दिया, 150 को 200 तो नहीं डाल दिया, रासायनिक में अगर आपने 200 डाल दिया तो आप निश्चिंत रूप से सो नहीं सकते हैं किसान भाई, क्योंकि उसमें आपको अगर 1 मिली भी ज्यादा हो गया तो आपकी फसल के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज किसान कहीं किसान भाई हमारे निमाड़ अंचल के 2,4-D की जो टंकी होती है वो गेहूं में जब 2,4-D आपने डाल दिया, उस टंकी को ऐसे ही रख दिया, अगर उससे आपने कपास में छिड़काव कर दिया तो कपास के पत्ते बिल्कुल मुड़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए धीरे 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 जैविक दवाइयों का उपयोग करना शुरू करें। अंडा अर्क, अब अंडा तो वैसे हम खाते नहीं है, लेकिन अंडे जो अर्क है, अंडे से जो है क्या बना सकते हैं, उसमें नींबू का रस चाहिए, 25 नींबू चाहिए आपको, अंडे 5 चाहिए, गुड़ 250 ग्राम चाहिए और पानी 50 लीटर चाहिए। 15 दिन तक इसको बंद करते मिला के 75 मिनी लेकर अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो फूल अच्छे आएंगे, फफूंद रोगों के ऊपर सफल नियंत्रण मिलेगा। मतलब ये फास्फोरस का काम भी करता है और दूसरा फफूंद नाशक जो रोग है आपके, जैसे सर्कोस्पोरा है, जो भी जो फफूंद रोग आते हैं, एंथ्रेक्नोज, इन सारी बीमारियों के ऊपर ये काम करेगा। अगला आते हैं हम नारियल व छाछ का घोल, बहुत अच्छा है ये हर किसान ने बनाना चाहिए। इसमें दूध की छाछ 5 लीटर, नारियल पानी 1 लीटर, फलों का रस 1 लीटर, हल्दी पाउडर 100 ग्राम और हिंग 20 ग्राम। कौन सी दिक्कत है इसमें, गाय की छाछ दूध की छाछ हमारे पास है, नारियल पानी हमको लाना है, फलों का रस और हल्दी पाउडर घर में है, हींग है, लाना क्या है हमको, सिर्फ नारियल पानी लाना है, इसको 15 दिन तक आप हिलाते रहें, 1.5 लीटर जो है वो प्रति पंप लेकर के इसका छिड़काव करेंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इससे आपके जितने भी कीट हैं, फफूंद रोग हैं, उनको पर एक बहुत अच्छा सफल नियंत्रण आपको धीरे धीरे मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें किसान भाई, थोड़ा सा जैविक पद्धति या जैविक खाद या जैविक दवाई बनाते समय श्रद्धा और सबूरी का होना बहुत जरूरी है। एक तो इसके प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरी बात आपको इतनी सबूरी रखनी है कि जब तक आप सबूरी नहीं रखोगे, आज आप डाल दोगे कल रिजल्ट मिल जाए। कुछ एक किसानों को हमने भेजा, उनको हमने बताया कि आप टोपला खाद डालें, हमारे कुछ विशेषज्ञ टोपला खाद के बारे में बताते थे, हमने उनको बताया तो उन्होंने बोला साहब हमको तो परिणाम धीरे धीरे ही मिलेंगे, एकदम परिणाम नहीं मिलेंगे। और आपको जो हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब जो सुरक्षा है उपचार से ज्यादा अधिक कारगर है, तो आपको सुरक्षा की दृष्टि से ऑर्गेनिक करना है, ऑर्गेनिक पहले बना के रखना है, फिर जैसे ही आपको लक्षण दिखे ना दिखे इनका आप उसके ऊपर उपयोग करेंगे, तो जब लक्षण आएंगे तो ये उसको धीरे 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 उसको खत्म करेगा। अब बात करते हैं हम लोग ब्रह्मास्त्र, ये इल्ली का जहां जहां प्रकोप है इसके लिए ब्रह्मास्त्र जरूर बना के रखें। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, 3 किलो पीसी हुई नीम की पत्ती, इसको 10 लीटर गोमूत्र में मिला लें, 2 किलो सीताफल की पत्ती, 2 किलो पपीते की पत्ती, 2 किलो अमरूद की पत्ती, इनको अच्छी तरह मिला लें, 5 बार इनको उबालें, इच्छे अच्छी तरह उबालें कि ये जो मिश्रण है वो आधा हो जाए, 24 घंटे तक उन्हें रखें, छान लें, मिला लें और इस औषधि को 6 महीने तक आप बोतल में रख सकते हो। घोल के मिश्रण को 2 से 2.5 लीटर प्रति एकड़ पर्णी छिड़काव करें, तो आपको इस पर्णी छिड़काव करने से रस चूसा कीट फली छेदक इल्लियों का सफल नियंत्रण होगा। अगर आपने फेरोमोन ट्रैप लगा दिया 5 रात को, लाइट ट्रैप लगा दिया और ये आपने ब्रह्मास्त्र कर दिया, तो आपको जो रासायनिक दवाइयां, जो जहरीली दवाइयां, जहरीली कंपनियां जो जहरीली दवाइयां बना रही है, जिनको बोलने में ही इतनी तकलीफ जाती तो करने में कितनी तकलीफ होगी किसान भाइयों। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें, रासायनिक को धीरे धीरे छोड़ दें। ये जितनी बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, इन्होंने जो दवाइयां बनाई है, ये दवाइयां एक
जहर का काम कर रही है, खाद भी जहर का काम कर रही है। इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र जो है, अगर आप इसको छिड़काव करेंगे, फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे, पीला चिपचिपा कार्ड लगाएंगे, नीला चिपचिपा कार्ड लगाएंगे, ब्रह्मास्त्र को करेंगे, तो आपको रस चूसक कीट और आपको काटने वाला कीड़ों के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण प्राप्त होगा। पुष्प रसायन, देखिए भगवान को जो हम फूल चढ़ाते हैं निर्माल्य, उनका 2 किलो फूल ले लें, उनको गौमूत्र में 2 लीटर गौमूत्र में मिला दें और 2 लीटर पानी मिला दें, 7 दिन के बाद पूरी मात्रा को एकड़ में डाल दें। इसका उपयोग करने से क्या फायदा होगा आपको पता है? इसका उपयोग करने से बोरान तत्व की कमी पूर्ण होगी। बोरान से क्या होता है, एक तो बोना रह जाता पौधा, दूसरी बात उससे फल फटने की शिकायतें होती हैं। बोरान की हमारे भारतवर्ष में बहुत कमी है, तो इसको करने से अगर हम उसको इसका छिड़काव कर देते हैं बहुत अच्छे आपको नतीजे मिलेंगे। अब माहू के ऊपर जो सफल नियंत्रण है उसके लिए गौमूत्र 1 लीटर, ताजा गोबर 2 किलो, मूंगफली की खली 1 किलो और गुड़ 250 ग्राम, इन सबको मिलाकर 5 लीटर पानी में अगर आपने फसल पर छिड़काव किया तो एफिड्स के ऊपर, माहू के ऊपर अच्छा नियंत्रण मिल पाएगा। अमृत धारा भी बहुत सरल है किसान भाई। पिपरमेंट या पुदीना इसको 15 ग्राम लेना है, अजवाइन 15 ग्राम, कपूर 15 ग्राम, इन सबको मिलाकर आपने छिड़काव कर दिया तो रस चूसक कीटों के ऊपर एक बहुत अच्छा नियंत्रण आपको मिल पाएगा। ये जितने भी आपको मैंने तरीके बताए हमारे इस फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से, हमने जो ये जो बीड़ा उठाया जैविक खाद का, जैविक दवाइयों का, अगर आप इससे धीरे धीरे बनाना शुरू करें, मेरा यही निवेदन है मेरे वेंडरों के माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कि आप इसको बनाएं। अगर आपको बनाने में, इसको करने में आपको लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप धीरे 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 आप इस परिपाटी के ऊपर आ जाएंगे। हमारे फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आपको समय समय पर सारी जानकारी दी जाती है। उसके बाद में आपको हम मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं, मंडी भाव से आपको अपडेट कराते हैं और हम आपको आपकी मिट्टी परीक्षण के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर हम आपको सलाह भी देते हैं आपको क्या करना। कार्बन नत्रजन का अनुपात ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये सब बातें आपको आज हमने फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से बताई। हमारे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो हमारे वेंडरों से जुड़े हैं, हमारे वेंडरों के हमने एक बार कोड दिया है, बार कोड आप सीधे सीधे आप फार्म सिग्मा डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए। अगर आपने बार कोड ले लिया, सीधे डाउनलोड करेंगे, सारी जानकारी आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगी। इतना कहकर मैं आज अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।